और सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। राज सिंह जी आज के इस कार्यक्रम में एमएलसी श्री नरेंद्र भाटी जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में बुलंदशहर के सभी उपस्थित बहनें आज एक ओर जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए बुलंदशहर की बहनें यहां एकत्र हुई हैं, वहीं नवरात्रि शारदीय नवरात्रि में आपके अभिनंदन के लिए मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर आया हूं। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के पारित होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर जनपद बुलंदशहर की 208 करोड़ रुपए की लागत की 104 परियोजनाओं का लोकार्पण और 424 करोड़ रुपए की लागत से 152 परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए बुलंदशहर वासियों को हृदय से बधाई और मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछले 9 साढ़े 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए भारत का दर्शन किया है। एक ऐसा भारत जो समर्थ भारत है, शक्तिशाली भारत है, स्वावलंबी भारत है और दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने वाला भारत है। ये वही भारत है जो 14 से पहले 2014 के पहले जिसमें अविश्वास का माहौल था, असुरक्षा का माहौल था, घुसपैठिए जब मर्जी तब भारत में घुसपैठ करते थे, भारत के सामने असमंजस की स्थिति थी कि कौन सी नीति अपनानी है और किस रास्ते चलना है। लेकिन 2014 में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसे नए भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प आगे बढ़ाया जिस भारत में जाति, मत, मजहब और क्षेत्र भाषा के आधार पर नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को समान अधिकार मिले और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अधिकार मिले और उसके तहत उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया है। अगर मातृशक्ति के इस सम्मान की जब मैं बात करता हूं तो भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल याद करिए, इन दोनों बेटियों ने यहां की मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है और अपने सामर्थ्य की ताकत का एहसास देश और दुनिया को कराया है। और हमने भी कहा है दोनों को सीधे डिप्टी एसपी बनाएंगे। अब डिप्टी एसपी सरकार की घोषणा है, बहुत जल्दी समारोह आयोजित करके गोल्ड मेडल जीतने वालों को 3 करोड़,
सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए की सहायता का सम्मान समारोह भी हम लखनऊ में करने जा रहे हैं और साथ साथ सरकारी नौकरी भी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी इन बेटियों को बचाने की मुहिम और उनको पढ़ाने की मुहिम, फिर खेलो इंडिया खेलो के कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाते, फिर फिट इंडिया कार्यक्रम के मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाते, क्या इन बेटियों को इतना सम्मान मिल पाता? क्या वे आगे बढ़ पाती? और केवल यहीं पे नहीं, याद करिए, पहले माताएं घर में चूल्हा फूंकते फूंकते आंखों को खो देती थी। 45 साल 50 साल की उम्र होते होते ऐसे लगता था जैसे बुढ़ापा आ गया है, लेकिन अब हर परिवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की सौगात दे दी है और उज्ज्वला योजना में भी अभी 300 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की है और हमने भी तय किया है दीपावली का उपहार हर उज्ज्वला योजना कनेक्शन धारी को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। आखिर माताओं के लिए पहले कनेक्शन नहीं मिलता था, 14 के पहले रसोई गैस की कितनी किल्लत भी किसी से नहीं छुपा हुआ है, लेकिन अब तो जब मर्जी तब कनेक्शन ले लो और गरीब परिवारों को तो फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन। देश के अंदर लगभग 10 करोड़ परिवारों को जिन्होंने आजादी के बाद रसोई गैस का सिलेंडर नहीं देखा था, उन्हें इस सुविधा का लाभ मिला है और उत्तर प्रदेश में 1.75 करोड़ परिवारों को इस सुविधा का लाभ मिला है, जिसमें 1.75 करोड़ बहनें और माताएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं। देश के अंदर याद करिए कि देश के अंदर लगभग 4 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके सिर को ढकने के लिए छत नहीं थी, अपना मकान नहीं था। पहली बार प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उन 4 करोड़ परिवारों को, जिसमें ज्यादातर मालिकाना अधिकार बहनों को दिया गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने घर का उपहार भी उन्हें देकर के लखपति बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अब तक 55 लाख बहनों को एक एक आवास उपलब्ध कराया जा चुका है। भाइयों बहनों, इससे पहले योजनाएं क्यों नहीं मिलती थी? नारी गरिमा के प्रतीक, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर घर में शौचालय हो, यह कार्य भी पहली बार हुआ है। आपने देखा होगा देश के अंदर 12 करोड़ शौचालय बन जाना और उत्तर प्रदेश में 3.25 लाख शौचालय का बन जाना, यह भी नारी गरिमा का प्रतीक तो बना ही है, साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत तमाम प्रकार की बीमारियों को समाप्त करने का एक माध्यम भी बना है। आयुष्मान भारत में, के अंदर देश के अंदर हर उस गरीब परिवार को जिसके पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। अकेले उत्तर प्रदेश में 10 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। अनेक ऐसे कार्यक्रम जो बेटियों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए कल्याणकारी कारक है, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके स्वावलंबन के लिए महत्वपूर्ण थी, पहली बार आजादी के बाद पहली बार वे योजनाएं लागू हुई और उन्हीं योजनाओं को प्रभावी ढंग से
प्रदेश के अंदर जब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ, प्रभावी ढंग से इस सरकार ने लागू किया है, भाजपा की सरकार ने लागू किया है, और उसी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने और आपका अभिनंदन करने के लिए आज मैं स्वयं बुलंदशहर में आया हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं वर्तमान में हमने मिशन शक्ति के चौथे संस्करण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मिशन शक्ति का यह चतुर्थ संस्करण एक बार फिर से प्रभावी ढंग से नारी गरिमा की सुरक्षा करते हुए, उनके सम्मान को विवृद्ध करते हुए, उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करने का एक अभियान है, और इसकी शुरुआत हमने 2020 में की थी। इस अभियान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए यह कार्यक्रम लगातार केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन के लिए कौन से कार्यक्रम कर रही है, इन कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का, जन जागरण का और उनको प्रभावी ढंग से लागू करने का एक अभियान है। इस क्रम में लगातार एक ओर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी हर एक स्तर पर, गांव पंचायत में, नगर में, वार्ड स्तर पर, स्कूल कॉलेज में उपलब्ध करवाई जा रही है, वहीं सुरक्षा में सेंध लगाने वाले तत्वों पर भी कार्रवाई के लिए प्रभावी एक्शन भी लिए जा रहे हैं। आप सब जानते हैं अपराध और अपराधियों के प्रति हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, सुरक्षा में जो सेंध लगाएगा उस व्यक्ति को फिर कहीं भी जाएगा पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे उसको, और पाताल से ढूंढ निकालने की कार्रवाई लगातार चल रही है, लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाए हुए हैं, क्योंकि हमें मानना है आधी आबादी सुरक्षित तो सब कुछ सुरक्षित, सब कुछ अपने आप सुरक्षित हो जाता है। उद्योग लगते हैं, कारखाने लगते हैं, रोजगार का सृजन होता है, खुशहाली आती है, अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ता है, और यहीं से शुरुआत होती है राम राज्य की स्थापना का। जनवरी में अयोध्या में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के में रामलला विराजमान होंगे, तो राम राज्य की तो आधारशिला पहले सुरक्षा से ही शुरू होती है, ये शुरुआत वहीं से शुरू होती है, और उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा, अगर सुरक्षा है तो विकास भी आगे बढ़ता है, सुरक्षा है तो निवेश भी आगे बढ़ता है, सुरक्षा है तो रोजगार का सृजन भी होता है। कोई सोचता था बुलंदशहर में भी मेडिकल कॉलेज होगा, लेकिन मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो गई, सरदेव कल्याण सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना आपके सी बुलंदशहर में हो रही है और उन्हीं के नाम पर हो रही है। ये कोई सोचता था बुलंदशहर के ही बगल में जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, और एयरपोर्ट के साथ साथ फिल्म सिटी का भी निर्माण होने जा रहा है। अब आपको फिल्म सिटी के लिए मुंबई या हैदराबाद नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि फिल्में यहीं पे बनेंगी, यहीं के कलाकारों को एक मंच मिलेगा और कला को आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी, ये भी रोजगार का एक साधन होगा। कोई सोचता था जहां पहले गुंडा टैक्स वसूली होता था, आज वहां पे बड़े बड़े निवेश हो रहे हैं, और यह सभी कार्यक्रम अगर प्रभावी ढंग से आगे बढ़ पा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जन मेहनत करते हैं, शासन के पास योजनाओं को भेजते हैं, डबल इंजन की सरकार सामूहिक रूप से प्रयास करती है, तब योजना सामने आती है और उसका लाभ हरेक स्तर पर मिलता हुआ दिखाई देता है।
और उन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। ये योजनाएं जो आज यहां लागू हो रही है, चिकित्सा और स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, आवास की है, सड़क से जुड़ी हुई है, किसानों से जुड़ी हुई है, महिलाओं से जुड़ी हुई है, युवाओं से जुड़ी हुई है और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिससे लाभ होना है। ऐसे 700 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज एक साथ आपको प्राप्त हो रही हैं। लेकिन भाइयों बहनों, आज हम सब आपको इस बात के लिए बधाई देने के लिए आए हैं कि नारी बंधन अधिनियम इसमें मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। देश की संसद में वर्षों से लोगों को प्रतीक्षा थी कि अधिनियम पारित होगा। अब बहनों को पंचायत की तरह, स्थानीय निकाय की तरह, विधानसभा और लोकसभा में भी एक तिहाई सीटों पर अतिरिक्त विजय बनने का और चुनकर जाने का एक अवसर प्राप्त होगा। आप में से अगली बार तो बहुत सारी बहनें ऐसे होंगी जब इसमें पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रक्रिया पूरी होने और परिसीमन होने के बाद बहुत सारी बहनें ऐसी होंगी जो विधानसभा में विधायक के रूप में और संसद में सांसद के रूप में चुन करके जाएंगी। भाइयों बहनों, इसके लिए अभी से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने की आवश्यकता है, जिन्होंने आधी आबादी के सम्मान को और उनकी गरिमा को बनाए रखने में इस अधिनियम को पुरजोर तरीके से लग करके आपका सम्मान बढ़ाया है, आपकी गरिमा को बढ़ाया है और लगातार 9.5 वर्ष से जो इस अभियान के साथ लगे हैं कि योजनाओं पर व्यक्ति नहीं, जाति और मत और मजहब नहीं, बल्कि सबका समान अधिकार होना चाहिए। आखिर बताइए ना, एक बेटी की कौन जाति होती है, एक बहन की कौन जाति होती है, एक गरीब माता की कौन जाति होती है? वह तो सबकी है, सबके प्रति उसका वात्सल्य है, सबके प्रति सम्मान रूप से उसका स्नेह प्राप्त होता है। इसलिए इसको जाति के दायरे में बांट करके नहीं, जो लोग नारी गरिमा और सम्मान पर सेंध लगाते थे वही इसको बांटने का कार्य करते हैं। और इसीलिए तो हमारी सरकार ने कहा, डबल इंजन की सरकार ने कहा, नहीं बहन बेटी और माँ को बांटो मत, उसका स्नेह समान रूप से प्राप्त होता है और उसे समान रूप से आगे बढ़ने, उसकी सुरक्षा, उसके सम्मान और उसके स्वावलंबन के लिए पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए। जिस दिन नारी गरिमा की रक्षा हो जाएगी, अपने आप निवेश आ जाएगा, अपने आप विकास हो जाएगा, अपने आप ही रोजगार का सृजन भी हो जाएगा। और वही परंपरा आज आपने यूपी के अंदर देखी होगी। आखिर उत्तर प्रदेश तो 17 के पहले बीमारू था ना, ये तो बीमारू राज्य था, यहां तो अराजकता की स्थिति थी, दंगे होते थे, अव्यवस्था फैलती थी, बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जा पाती थी। 17 के बाद आपने दंगा देखा, दंगा समाप्त, अब दंगा नहीं होता यूपी में, अब यूपी में दंगा समाप्त, दंगा ही गले में तक चलते हैं, जान की भीख मांगते हैं, क्योंकि जब मातृशक्ति जागृत होगी तो महाकाली मां लक्ष्मी मां सरस्वती स्वरूप में समाज को दर्शन, और यही रूप नारी शक्ति बंधन अधिनियम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए सम्मेलन यहां आयोजित हुआ है। इस अवसर पर बुलंदशहर सभी बहनों का अभिनंदन करते हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए 700 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए
जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद और आप सब बुलंदशहर वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। तो मुख्यमंत्री योगी ने आदित्यनाथ के संबोधन को आप सुन रहे थे और बता जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरह महिलाओं से लेकर सामाजिक कल्याण विकास चौतरफा सरकार ने कामकाज किए हैं। 2017 से पहले यूपी में दंगे होते थे, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं, महिलाओं और उनकी सुरक्षा हमेशा ताक पर रहती थी, लेकिन अब यूपी में दंगे नहीं होते, यहां पर एक सुरक्षित माहौल बना है। और साथ ही उन्होंने मेरठ का नाम लिया और कहा यहां की बेटियों ने देश का सम्मान बढ़ाया है। पारुल अन्नू ने एशियन गेम्स में मेडल जीता है। विजेता खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। लखनऊ में जल्द ही इस सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जहां पर मेडल धारी सभी लोगों का सम्मान होगा। जो खिलाड़ी यूपी से ताल्लुक रखते हैं, सिल्वर मेडल जीतने वालों को 1.5 करोड़ का इनाम, ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 75 लाख का सम्मान दिया जाएगा। अन्नू रानी और पारुल चौधरी डिप्टी एसपी बनेंगी। और रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़।